हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश है और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने डॉग एंड वर्ड स्पेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत खास होने वाला है। नए बिगनर भाई लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या है ना, जब हम लोग बर्ड्स खरीद के घर पे लेके आते हैं और घर पे लाके उन्हें कुछ दिन रखते हैं, उन्हें अपने हमारे घर पे कुछ दिन हो जाते हैं, कुछ टाइम बीत जाता है, तो उसके बाद में हमारे यही सोच होती है कि हमारे बर्ड्स हमारे घर पे ब्रीड कब करेंगे। दोस्तों, आप अगर ये पता लगाना चाहते हैं कि आपके बर्ड कब ब्रीड करेंगे आपके घर पे, तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बर्ड ब्रीड करने वाले हैं या अभी नहीं करने वाले हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो बजरी तोते होते हैं वो साल भर ब्रीड करते हैं। अगर इनकी मटकी गर्मियों में भी नहीं हटाई जाए तो ये गर्मी में भी ब्रीड कर लेते हैं, पर गर्मी में इनकी ब्रीड सक्सेस नहीं होती, इनके बच्चे कम निकलते हैं, इसलिए हम इनकी मटकियाँ हटा देते हैं और इनकी हम ब्रीड लेते हैं जुलाई अगस्त से लेकर के मार्च तक, अप्रैल तक लेते हैं इनकी ब्रीड लास्ट, फिर उसके बाद में हम इन्हें एक दो महीने का, 3 महीने का रेस्ट दे देते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इनके लक्षण बताता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके मेल फीमेल मटकी मतलब बंडे बच्चे देने वाले हैं। दोस्तों, पहले तो ये कि जब मेल फीमेल जब हम पिंजरे में छोड़ देते हैं तो वो मेल जो मतलब एडल्ट हो जाते हैं ना, जब मेल फीमेल, तो वो ये करते हैं कि जो मेल होता है वो फीमेल के पीछे पीछे भागता है, जहाँ भी फीमेल जाती है वहाँ उसके पीछे जाता है, उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है, उससे मतलब चोंच से चोंच मिला के उसको दाना एक्सचेंज करता है, फीड एक्सचेंज, उसे दाना खिलाता है। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे बजरी तोतों का जोड़ा लग चुका है। तो दोस्तों, दूसरे लक्षण की अब हम बात करते हैं। दूसरा लक्षण ये होता है कि जो हमारी फीमेल होती है वो मटकी या बॉक्स पसंद करने लग जाती है और उस मटकी में जाके बैठने लग जाती है। मटकी या बॉक्स उसे पसंद आ जाता है तो उसमें बहुत बहुत देर तक बैठती है, और जब उस मटकी में सेफ फील होता है उसे, उसे लगता है कि मटकी ठीक है उसके लिए और उसके बच्चों के लिए, तो वो ये करती है कि उसमें दो दो तीन तीन घंटे तक भी बैठना स्टार्ट कर देती है। आप अगर अपने पिंजरे में देखेंगे तो वो फीमेल आपको नज़र नहीं आएगी पिंजरे में, वो मटकी में बैठी होगी, और आप उस मटकी को हिलाएंगे या पिंजरे को उसको देखेंगे तो वो निकल के बाहर आ जाती है। तो दोस्तों, तीसरे साइन पे हम आते हैं कि बजरी तोते के तीसरे लक्षण क्या होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बजरी तोते अंडे देने वाले हैं। उनकी नाक का कलर, जो फीमेल होती है उसके नाक का कलर ब्राउन होने लग जाता है वाइट से, कभी कभी तो ये डार्क ब्राउन भी हो जाता है, कभी कभी ये हल्का ही ब्राउन होता है। तो दोस्तों, इसका कलर भूरा होने लग जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि फीमेल हीट पे आ चुकी है, और फीमेल हीट पे जब भी आती है जब वो ब्रीडिंग के मूड पे होती है दोस्तों। और जब आपको ये तीनों चारों साइन आपको दिखने लग जाएँ कि आपके बर्ड्स में, तो आप समझ जाना कि आपके घर पे भी जल्दी से ब्रीड होने वाली है और आपके घर पे भी नए अंडे बच्चे आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।